अब हम अपने फोन पर है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम लोग अपने पेटीएम का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। सो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने पेटीएम का सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी आप जिसको जिसको पेमेंट किए हैं वो सब डिलीट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। सो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में पेटीएम ऐप को खोज लीजिए और उसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम ऐप आ चुका है, इसको ओपन करेंगे। पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद ये इस तरह से खुल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पेटीएम ऐप है वो खुल चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने के लिए सबसे पहले ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन का, देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से ऑल पे सेलेक्ट होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, तो जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सब यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। अब पेमेंट को डिलीट करने के लिए यानी कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पेमेंट का, देख सकते हैं यहाँ पर उसके बगल में यहाँ पर पेमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जिसको जिसको जितना भी पेमेंट भेजे हैं या फिर पेमेंट जो भी आया है वो सब यहाँ पर हिस्ट्री आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप जिसको भी डिलीट करना चाहते हैं उसके चैट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक कर लेंगे तो उसका जो पेमेंट है वो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा पेमेंट है वो दिख चुका है। अब डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है थ्री डॉट का, देख सकते हैं यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे ये हमसे पूछेगा क्या आप श्योर है कि इस चैट को डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पर क्लिक कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं ये जो है गायब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरा है फोन पे मर्चेंट, या फिर देख सकते हैं नीचे रजनीश केवाईसी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, रजनीश केवाईसी पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे सेम प्रोसेस, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है और फिर से डिलीट पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वो हिस्ट्री नहीं है। तो इसी तरह से आप भी अपने पेटीएम का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए परमानेंट। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।